अप गाइस टूडे वीर नॉट टॉक अबाउट द मूवी कॉल्ड अ क्वाइट प्लेस सो गाइस ए टू थाउजेंड एटीन की एक हॉरर मूवी है लाइक like आप बता सकते हो हाँ इसका जो जेनरा है वो हॉरर से रिलेटेड है एंड जो मूवी है बहुत ही डेंजरस है मतलब आपको बहुत अच्छा एक हॉरर एक्सपीरियंस ये मूवी देख मतलब दे के दिखाएगा एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी के फैक्ट्स भी एक्सप्लेन करूँगा मूवी कितने पार्ट्स में आने वाली है फ्यूचर में क्योंकि अभी इस मूवी का सिर्फ़ दो पार्ट रिलीज़ हुआ है जो कि हुआ था अ क्वाइट प्लेस अप्रैल सिक्स टू में जिसके डायरेक्टर थे जॉन क्रैनसिक और मूवी एक और आया था अ क्वाइट प्लेस टू करके मे 28 2021 के अंदर जिसके डायरेक्टर सेम थे जॉन क्रैनसिक और गाइस अब इस मूवी का जो सीक्वल आने वाला है फ्यूचर के अंदर वो होने वाला है अ क्वाइट प्लेस डे वन मार्च एट टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर को कन्फर्म हो चुका है और मिकल सैरनास्की इस मूवी के डायरेक्टर होने वाले हैं एंड इस मूवी का जो लास्ट पार्ट होने वाला है टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव के अंदर भी रिलीज़ होगा अ क्वाइट प्लेस पार्ट थ्री जिसके डायरेक्टर अभी कन्फर्म नहीं हुए हैं एंड मूवी का जो सीक्वल वक्वल है स्टोरी राइटिंग कन्फर्म होने के बाद मे बी इस मूवी के डायरेक्टर है फिर कुछ भी होगा लेकिन इस मूवी के टोटल चार पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे स्क्रीन के ऊपर एंड अभी जो हम मूवी के ऊपर बात करने वाले हैं ए होने वाला है टू की अमेरिकन पोस्ट एक् साई फिक्शन हॉरर फिल्म जो मूवी के डायरेक्टर थे जॉन थे जैसे कि मैंने बता दिया और मूवी के जो राइटर थे वो थे स्कॉट बेक एंड ब्रैन वुड्स उसके बाद ये मूवी का जो स्टोरी है वो वुड्स एंड बेक के ऊपर होने वाला है मतलब जो मूवी के कैरेक्टर्स हैं और आप बोल सकते हो या फिर मूवी के जो मेन क्रीवेंड एंड कैस्ट होने वाली हैं वो होने वाली हैं एमिली ब्लंट और इस मूवी के अंदर जो डायरेक्टर हैं वो भी अपना क्रीवेंड एंड कास्ट में देखने को मिलेंगे जो है जॉन क्रांसकिक और नोहा ज्यूब करके एक और हमें मतलब रोल प्ले करती हुई देखने को मिलेंगे उसके बाद मूवी के जो स्टोरी लाइन है वो लिखा गया है ब्रैन उड्स और स्क्वाड बेक के द्वारा मूवी के जो प्रोड्यूसर थे वो थे माइकल बे एंड्री फॉर्म एंड ब्रैड फुलर Osionfish. उसके बाद मूवी का जो सिनेमेटोग्राफी है वो किया गया है चार्लेट बर्स एंड क्रिस्टन के द्वारा और मूवी के जो एडिटर थे क्रिस्टोफर थे प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी की होने वाली है प्लेटिनम ड्यून्स संडे नाइट प्रोडक्शन और मूवी का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे वो है पैरामाउंट पिक्चर और मूवी का जो रिलीज़ डेट था मार्च नाइन टू थाउजेंड एटीन को एस एक्स एस डब्ल्यू में रिलीज़ था और अप्रैल सिक्स टू थाउजेंड एटीन को यूनाइटेड स्टेट के अंदर रिलीज़ था मूवी का जो रन टाइम है वो है नाइनटीन मिनट्स का जो कि हाँ ठीक ठाक है एक एक घंटा बीस मिनट का मूवी एक घंटे तीस मिनट का मूवी है सॉरी हाँ और मूवी का जो कंट्री है ओरिजिन कंट्री वो है यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज अमेरिकन साइन लैंग्वेज इंग्लिश मूवी का जो बजट था वो था सेवनटीन मिलियन और बॉक्स ऑफिस पे अर्न किया है इस मूवी ने थ्री हंड्रेड फोर्टी वन मिलियन यू एस डॉलर विच इज़ अ ग्रेट अमाउंट अच्छा मूवी अर्न करके गई है बॉक्स ऑफिस से अब गई मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस मूवी के और डिटेल लाइक आप इस मूवी को कहाँ कहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल फ्री के अंदर सो so गाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है हर वीडियो के अंदर और कमेंट में भी यही आता है कि उन लोगों को मूवीज़ कहाँ से देखना है तो गाइस ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट हैं वेबसाइट हैं जहाँ पे आप बिल्कुल आराम से जाके मूवी को देख सकते हो और आप अपने मूवी मतलब उस मूवी को अपने फ़ोन के अंदर स्टोर भी कर सकते हो तो गाइस मैं कुछ ऐसे साइट के नाम बता दे रहा हूँ लाइक एच डी मूवी फ्लिक्स करके एक आपको देखने को मिलेगा उधर जाओगे तो आपको हाँ इंटरनेशनल लेवल के सारे मूवी हॉलीवुड बॉलीवुड कोरियन चाइनीज़ सारे देखने को मिलेंगे एंड एक और क्वेश्चन आता है कि मूवी जो है ये क्या हम लोगों को हिंदी लैंग्वेज या फिर जो उनके कंट्री वाले हैं लाइक like, अभी मान लो कोई और कंट्री से देख रहा तो उनकी कंट्री के अंदर भी उनके कंट्री के हिसाब से मिलता है लैंग्वेज ओके okay. तो मैं बताना चाहता हूँ अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपको हाँ ये जो मूवी है बिल्कुल हिंदी डब के अंदर देखने को मिलेगा उस वेबसाइट के अंदर और मैं बताना चाहता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे जब मूवी बहुत ज़्यादा हिट कर जाती है तो सारे जो कंट्री होते हैं अपने अपने नेटिव लैंग्वेज के अंदर उस मूवी को डब करवा लेते हैं ऑफिशियल डब फैन डब कोई भी डब हो सकता है लेकिन मैक्सिमम टाइम ऑफिशियल डब ही किया जाता है ताकि मूवी का जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब ना किया जाए तो हाँ गाइस आप लोगों को उसके हिसाब से आपको स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेगी मूवी के अंदर एंड आपको आपके हिसाब पे लैंग्वेज जो है उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करके आप डाउनलोड कर सकते हो उस वेबसाइट से सो इस नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन द स्टोरी एक्सप्लेनेशन। तो जैसे कि मूवी का स्टार्टिंग ऐसे ही कुछ होता है एक एलियन पर जाती आ जाती है पृथ्वी पे और उनका जो हियरिंग होता है बहुत शार्प होता है और वो लोग बहुत अच्छे से आर्मर प्लेट और बहुत अच्छे से उनका शील्ड भी होता है वो लोग पूरे हाफ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन को ख़त्म कर चुके हैं ओके okay? अब इसी मूवी के अंदर एक अबाउट फैमिली करके देखने को मिलती है उसकी जो मतलब फैमिली ऐसे अबाउट फैमिली करके देखने को मिलती है उसके अंदर उन लोगों के जो फादर होते हैं ली और उनकी एक बेटी होती है रिगेन करके और उनका एक बेटा भी होता है मार्कस और बीव करके वो लोग आइसोलेटेड फॉर्म में अपना मतलब गुजारा कर रहे थे फ़ॉरेस्ट के बीच के अंदर समझ रहे हो फॉरेस्ट के बीच के अंदर वो लोग अपना गुजारा कर रहे होते हैं न्यूयॉर्क के अंदर अपस्टेट न्यूयॉर्क के अंदर एंड ये लोग सर्वाइविंग अपना मतलब जारी रखते हैं क्योंकि इन्हें भी पता होता है अगर ये लोग सिटी की तरफ जाएंगे तो हंड्रेड परसेंट है ये लोग मारे जाएंगे एंड अब जानते क्या होता है इस के अंदर बहुत सारे रोबोट्स लोग रिसर्च भी रोबोट मतलब एलियन सॉरी आई मीन टू से एलियन जो एलियंस होते हैं हमेशा जांच पड़ताल कहते करते रहते हैं कहीं पे भी ह्यूमंस दिख गए तो उन्हें मार दिया जाता है और उनका बॉडी रिसर्च किया जाता है ऐसा है मूवी का पूरा मेन सीक्वेंस और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इस मूवी के अंदर ये लोग खुल के बात भी नहीं कर सकते जो अपने अबाउट फैमिली वाले मेम्बर्स होते हैं क्योंकि अगर ये लोग शोर मचाएँगे तो वो जो रोबोट्स एलियन है वो आके इनको मार देंगे तो इसीलिए इस मूवी के अंदर हमें एक साइन वाली लैंग्वेज देखने को मिलती है जिसे बोला जाता है अमेरिकन साइन लैंग्वेज जहाँ पे ये लोग उसी के मदद से ये लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अपने बीच में और उसके बाद दिखाया जाता है जो बी उनका बेटा होता है छोटा सा एक स्पेस शटल पा जाता है खेलने वाला एंड लेकिन उसका एक ली भाई जो होता है ली मैंने बताया था उनका पापा जो होता है फादर ली जो होते हैं वो बोल देते हैं कि इस स्पेस शटल को तुम ला नहीं सकते हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नॉइस मचाएगी और हम लोग एक ना एक दिन मारे जाएंगे लेकिन इन्हीं में से इनकी जो एक बहन होती है वो चोरी छुपे उस रॉकेट को लेके आ जाती है और दे देती है अपने भाई को और उसके अंदर बैटरी निकाल लेती है बाय द वे लेकिन जो ली होता है ब्यू सॉरी ल्यू नहीं होता है व्यू जो होता है उस बैटरी को पा जाता है और अब घाई ऐसा सीन हो गया है कि ये लोग नॉइस मचा दिए हैं और जो एलियन है उस व्यू को मार देते हैं और एलियन क्रिएचर बहुत डेंजर होते हैं ऐसे इनका जो एक बेटा होता है मर जाता है अब गाइस फिल्म जो है आगे की तरफ हमें कंटिन्यू करते हुए देखने को मिलेगी सो गाइस ये जो मूवी था इतना ही था एंड एक्सप्लेनेशन आपको अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर करो आप वीडियो को लाइक करते हो चैनल को भी सब्सक्राइब करते हो सो so, यार yeah, चलो आप लोग आगे से वीडियो में मिलते हैं मूवी के फैक्ट्स रिव्यू सब चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो यार मेक श्योर करो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो वीडियो को भी शेयर करते हो अपने दोस्तों में ये मूवी जाकर लोग हंड्रेड परसेंट इन्जॉय करते हैं हेलो व्हाट्सअप गाइस टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट द मूवी कॉल्ड अ क्वाइट प्लेस सो गाइस ए 2018 की एक हॉरर मूवी है लाइक like आप बता सकते हो हाँ इसका जो जेनरा है वो हॉरर से रिलेटेड है एंड जो मूवी है बहुत ही डेंजरस है मतलब आपको बहुत अच्छा एक हॉरर एक्सपीरियंस ये मूवी दे मतलब दे के दिखाएगा एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी के फैक्ट्स भी एक्सप्लेन करूँगा मूवी कितने पार्ट्स में आने वाली है फ्यूचर में क्योंकि अभी इस मूवी का सिर्फ दो पार्ट रिलीज हुआ है जो कि हुआ था अ क्वाइट प्लेस अप्रैल सिक्स 2018 में जिसके डायरेक्टर थे जॉन क्रैनसिक और मूवी एक और आया था अ क्वाइट प्लेस टू करके मे 28 2021 के अंदर जिसके डायरेक्टर सेम थे जॉन क्रैनसिक और गाइस अब इस मूवी का जो सीक्वल आने वाला है फ्यूचर के अंदर वो होने वाला है अ क्वाइट प्लेस डे वन मार्च एट 2024 को कंफर्म हो चुका है और मिकल सैरनास्की इस मूवी के डायरेक्टर होने वाले हैं एंड इस मूवी का जो लास्ट पार्ट होने वाला है 2025 के अंदर भी रिलीज होगा अ क्वाइट प्लेस पार्ट थ्री जिसके डायरेक्टर अभी कंफर्म नहीं हुए हैं एंड मूवी का जो सीक्वल है वो स्टोरी राइटिंग कन्फर्म होने के बाद में भी इस मूवी के डायरेक्टर या फिर कुछ भी होगा लेकिन इस मूवी के टोटल चार पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे स्क्रीन के ऊपर एंड अभी जो हम मूवी के ऊपर बात करने वाले हैं ये होने वाला है टू की अमेरिकन पोस्ट एपकलिप्स साई फिक्शन हॉरर फिल्म जो मूवी के डायरेक्टर थे जॉन थे जैसे कि मैंने बता दिया और मूवी के जो राइटर थे वो थे स्कॉट बेक एंड ब्रैन वुड्स उसके बाद ये मूवी का जो स्टोरी है वो वुड्स एंड बेक के ऊपर होने वाला है मतलब जो मूवी के कैरेक्टर्स हैं और आप बोल सकते हो या फिर मूवी के जो मेन क्रीव एंड कैस्ट होने वाली हैं वो होने वाली हैं एमिली ब्लंट और इस मूवी के अंदर जो डायरेक्टर हैं वो भी अपना क्रीव एंड कास्ट में देखने को मिलेंगे जो है जॉन क्रांसकिक और नोहा ज्यूब करके एक और हमें मतलब रोल प्ले करती हुई देखने को मिलेंगे उसके बाद मूवी के जो स्टोरी लाइन है वो लिखा गया है ब्रैन वुड्स और स्क्वैट बेक के द्वारा मूवी के जो प्रोड्यूसर थे वो थे माइकल बे एंड्री फॉर्म एंड ब्रैड फुलर उसके बाद मूवी का जो सिनेमेटोग्राफी है वो किया गया है चार्लट बर्स एंड क्रिस्टन के द्वारा और मूवी के जो एडिटर थे क्रिस्टोफर थे प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी की होने वाली है प्लेटिनम ड्यून्स संडे नाइट प्रोडक्शन और मूवी का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे वो है पैरामाउंट पिक्चर और मूवी का जो रिलीज डेट था मार्च नाइन टू थाउजेंड एटीन को एस एक्स एस डब्ल्यू में रिलीज था और अप्रैल सिक्स टू थाउजेंड एटीन को यूनाइटेड स्टेट के अंदर रिलीज़ था मूवी का जो रन टाइम है वो है नाइन्टीन मिनट्स का जो कि हाँ ठीक ठाक है एक एक घंटा बीस मिनट का मूवी एक घंटे तीस मिनट का मूवी है सॉरी हाँ और मूवी का जो कंट्री है ओरिजिन कंट्री वो है यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज अमेरिकन साइन लैंग्वेज इंग्लिश मूवी का जो बजट था वो था सेवनटीन मिलियन और बॉक्स ऑफिस पे अर्न किया है इस मूवी ने थ्री हंड्रेड फोर्टी वन मिलियन यू डॉलर विच इज़ अ ग्रेट अमाउंट अच्छा मूवी अर्न करके गई है बॉक्स ऑफिस से अब गाइस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस मूवी के और डिटेल लाइक आप इस मूवी को कहाँ कहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल फ्री के अंदर सो so गए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है हर वीडियो के अंदर और कमेंट में भी यही आता है कि उन लोगों को मूवीज़ कहाँ से देखना है तो गए ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट हैं वेबसाइट हैं जहाँ पे आप बिल्कुल आराम से जाके इन मूवी को देख सकते हो और आप अपने मूवी मतलब उस मूवी को अपने फ़ोन के अंदर स्टोर भी कर सकते हो तो गए मैं कुछ ऐसे साइट के नाम बता दे रहा हूँ लाइक एच मूवी फ्लिक्स करके एक आपको देखने को मिलेगा उधर जाओगे तो आपको हाँ इंटरनेशनल लेवल के सारे मूवी हॉलीवुड बॉलीवुड कोरियन चाइनीज़ सारे देखने को मिलेंगे एंड एक और क्वेश्चन आता है कि मूवी जो है ये क्या हम लोग को हिंदी लैंग्वेज या फिर जो उनके कंट्री वाले हैं लाइक like, अभी मान लो कोई और कंट्री से देख रहा तो उनकी कंट्री के अंदर भी उनके कंट्री के हिसाब से मिलता है लैंग्वेज ओके okay, तो मैं बताना चाहता हूँ अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपको हाँ ये जो मूवी है बिल्कुल हिंदी डब के अंदर देखने को मिलेगा उस वेबसाइट के अंदर और मैं बताना चाहता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे जब मूवी बहुत ज़्यादा हिट कर जाती है तो सारे जो कंट्री होते हैं अपने अपने नेटिव लैंग्वेज के अंदर उस मूवी को डब करवा लेते हैं ऑफिशियल डब फैन डब कोई भी डब हो सकता है लेकिन मैक्सिमम टाइम ऑफिशियल डब ही किया जाता है ताकि मूवी का जो एक्सपीरियंस वो ख़राब ना किया जाए तो हाँ गाइस आप लोगों को उसके हिसाब से आपको स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेगी मूवी के अंदर एंड आपको आपके हिसाब पे लैंग्वेज जो है उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करके आप डाउनलोड कर सकते हो उस वेबसाइट से सो है गाइस नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन द स्टोरी एक्सप्लेनेशन तो जैसे कि मूवी का स्टार्टिंग ऐसे ही कुछ होता है एक एलियन पर जाती आ जाती है पृथ्वी पे और उनका जो हियरिंग होता है बहुत शार्प होता है और वो लोग बहुत अच्छे से आर्मर प्लेट और बहुत अच्छे से उनका शील्ड भी होता है वो लोग पूरे हाफ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन को ख़त्म कर चुके हैं ओके अब इसी मूवी के अंदर एक अबाउट फैमिली करके देखने को मिलती है उसकी जो मतलब फैमिली ऐसे अबाउट फैमिली करके देखने को मिलती है उसके अंदर उन लोगों के जो फादर होते हैं ली और उनकी एक बेटी होती है रिगेन करके और उनका एक बेटा भी होता है मार्कस और बीओ करके वो लोग आइसोलेटेड फॉर्म में अपना मतलब गुजारा कर रहे थे फॉरेस्ट के बीच के अंदर समझ रहे हो फॉरेस्ट के बीच के अंदर वो लोग अपना गुजारा कर रहे होते हैं न्यूयॉर्क के अंदर अपस्टेट न्यूयॉर्क के अंदर एंड ये लोग सर्वाइविंग अपना मतलब जारी रखते हैं क्योंकि इन्हें भी पता होता है अगर ये लोग सिटी की तरफ जाएंगे तो हंड्रेड परसेंट है ये लोग मारे जाएंगे एंड अब जानते क्या होता है इस के अंदर बहुत सारे रोबोट्स लोग रिसर्च भी रोबोट मतलब एलियन सॉरी आई मीन टू से एलियन जो एलियंस होते हैं हमेशा जांच पड़ताल कहते करते रहते हैं कहीं पे भी ह्यूमंस दिख गए तो उन्हें मार दिया जाता है और उनका बॉडी रिसर्च किया जाता है ऐसा है मूवी का पूरा मेन सीक्वेंस और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इस मूवी के अंदर ये लोग खुल के बात भी नहीं कर सकते जो अपने अबाउट फैमिली वाले मेम्बर्स होते हैं क्योंकि अगर ये लोग शोर मचाएँगे तो वो जो रोबोट्स एलियन है वो आके इनको मार देंगे तो इसीलिए इस मूवी के अंदर हमें एक साइन वाली लैंग्वेज देखने को मिलती है जिसे बोला जाता है अमेरिकन साइन लैंग्वेज जहाँ पे ये लोग उसी के मदद से ये लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अपने बीच में और उसके बाद दिखाया जाता है जो बी उनका बेटा होता है छोटा सा एक स्पेस शटल पा जाता है खेलने वाला एंड लेकिन उसका एक ली भाई जो होता है ली मैंने बताया था उनका पापा जो होता है फादर ली जो होते हैं वो बोल देते हैं कि इस स्पेस शटल को तुम ला नहीं सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइस मचाएगी और हम लोग एक ना एक दिन मारे जाएंगे लेकिन इन्हीं में से इनकी जो एक बहन होती है वो चोरी छुपे उस रॉकेट को लेके आ जाती है और दे देती है अपने भाई को और उसके अंदर बैटरियों निकाल लेती है बाय द वे लेकिन जो ली होता है ब्यू सॉरी ल्यू नहीं होता है ब्यू जो होता है उस बैटरी को पा जाता है और अब घाई ऐसा सीन हो गया है कि ये लोग नॉइस मचा दिए हैं और जो एलियन है उस व्यू को मार देते हैं और एलियन क्रिएचर बहुत डेंजर होते हैं ऐसे इनका जो एक बेटा होता है मर जाता है अब गाइस फिल्म जो है आगे की तरफ हमें कंटिन्यू करते हुए देखने को मिलेगी सो गाइस ये जो मूवी था इतना ही था एंड एक्सप्लेनेशन आपको अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर करो आप वीडियो को लाइक करते हो चैनल को भी सब्सक्राइब करते हो सो so यार yeah, चलो आप लोग आगे से वीडियो में मिलते हैं मूवी के फैक्ट्स रिव्यू सब चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो यार मेक श्योर करो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो वीडियो को भी शेयर करते हो अपने दोस्तों में ये मूवी जाकर लोग हंड्रेड परसेंट इन्जॉय करते हैं हेलो व्हाट्सअप गाइस टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट द मूवी कॉल्ड अ क्वाइट प्लेस सो गाइस ए टू थाउजेंड एटीन की एक हॉरर मूवी है लाइक like आप बता सकते हो हाँ इसका जो जेनरा है वो हॉरर से रिलेटेड है एंड जो मूवी है बहुत ही डेंजरस है मतलब आपको बहुत अच्छा एक हॉरर एक्सपीरियंस ये मूवी दे मतलब दे के दिखाएगा एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी के फैक्ट्स भी एक्सप्लेन करूँगा मूवी कितने पार्ट्स में आने वाली है फ्यूचर में क्योंकि अभी इस मूवी का सिर्फ दो पार्ट रिलीज़ हुआ है जो कि हुआ था अ क्वाइट प्लेस अप्रैल सिक्स टू में जिसके डायरेक्टर थे जॉन क्रैनसिक और मूवी एक और आया था अ क्वाइट प्लेस टू करके मे 28 2021 के अंदर जिसके डायरेक्टर सेम थे जॉन क्रैंस्किक और गाइस अब इस मूवी का जो सीक्वल आने वाला है फ्यूचर के अंदर वो होने वाला है अ क्वाइट प्लेस डे वन मार्च एट 2024 को कंफर्म हो चुका है और मिकेल सैरनास्क इस मूवी के डायरेक्टर होने वाले हैं एंड इस मूवी का जो लास्ट पार्ट होने वाला है 2025 के अंदर भी रिलीज़ होगा अ क्वाइट प्लेस पार्ट थ्री जिसके डायरेक्टर अभी कन्फर्म नहीं हुए हैं एंड मूवी का जो सीक्वल विक्वल है वो स्टोरी राइटिंग कन्फर्म होने के बाद में भी इस मूवी के डायरेक्टर या फिर कुछ भी होगा लेकिन इस मूवी के टोटल चार पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे स्क्रीन के ऊपर एंड अभी जो हम मूवी के ऊपर बात करने वाले हैं ए होने वाला है 2018 की अमेरिकन पोस्ट एपकलिप्स साई फिक्शन हॉरर फिल्म जो मूवी के डायरेक्टर थे जॉन थे जैसे कि मैंने बता दिया और मूवी के जो राइटर थे वो थे स्कॉट बेक एंड ब्रैन वुड्स उसके बाद ये मूवी का जो स्टोरी है वो वुड्स एंड बेक के ऊपर होने वाला है मतलब जो मूवी के कैरेक्टर्स हैं यार आप बोल सकते हो या फिर मूवी के जो मेन क्रू एंड कैस्ट होने वाली हैं वो होने वाली हैं एमिली ब्लंट और इस मूवी के अंदर जो डायरेक्टर हैं वो भी अपना क्रू एंड कास्ट में देखने को मिलेंगे जो है जॉन क्रांसक और नोहा ज्यूब करके एक और हमें मतलब रोल प्ले करते हुए देखने को मिलेंगे उसके बाद मूवी के जो स्टोरी लाइन है वो लिखा गया है ब्रैन उड्स और स्क्वाड बेक के द्वारा मूवी के जो प्रोड्यूसर थे वो थे माइकल बे एंड्री फॉर्म एंड ब्रैड फुलर उसके बाद मूवी का जो सिनेमेटोग्राफी है वो किया गया है चार्लट बर्स एंड क्रिस्टन के द्वारा और मूवी के जो एडिटर थे क्रिस्टोफर थे प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी की होने वाली है प्लेटिनम ड्यून्स संडे नाइट प्रोडक्शन और मूवी का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे वो है पैरामाउंट पिक्चर और मूवी का जो रिलीज़ डेट था मार्च नाइन टू थाउजेंड एटीन को एस एक्स एस डब्ल्यू में रिलीज़ था और अप्रैल सिक्स टू थाउजेंड एटीन को यूनाइटेड स्टेट के अंदर रिलीज़ था मूवी का जो रन टाइम है वो है नाइनटीन मिनट्स का जो कि हाँ ठीक ठाक है एक एक घंटा बीस मिनट का मूवी एक घंटे तीस मिनट का मूवी है सॉरी हाँ और मूवी का जो कंट्री है ओरिजिन कंट्री वो है यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज अमेरिकन साइन लैंग्वेज इंग्लिश मूवी का जो बजट था वो था सेवनटीन मिलियन और बॉक्स ऑफिस पे अर्न किया है इस मूवी ने थ्री हंड्रेड फोर्टी वन मिलियन यू डॉलर विच इज़ अ ग्रेट अमाउंट अच्छा मूवी अर्न करके गई है बॉक्स ऑफिस से अब गाइस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस मूवी के और डिटेल लाइक आप इस मूवी को कहाँ कहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल फ्री के अंदर सो so गाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है हर वीडियो के अंदर और कमेंट में भी यही आता है कि उन लोगों को मूवीज़ कहाँ से देखना है तो so गाइस ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट हैं वेबसाइट हैं जहाँ पर आप बिल्कुल आराम से जाके मूवी को देख सकते हो और आप अपने मूवी मतलब उस मूवी को अपने फ़ोन के अंदर स्टोर भी कर सकते हो तो so गाइस मैं कुछ ऐसे साइट के नाम बता दे रहा हूँ लाइक एच मूवी फ्लिक्स करके एक आपको देखने को मिलेगा उधर जाओगे तो आपको हाँ इंटरनेशनल लेवल के सारे मूवी हॉलीवुड बॉलीवुड कोरियन चाइनीज सारे देखने को मिलेंगे एंड एक और क्वेश्चन आता है कि मूवी जो है ये क्या हम लोग को हिंदी लैंग्वेज या फिर जो उनके कंट्री वाले हैं लाइक like, अभी मान लो कोई और कंट्री से देख रहा तो उनकी कंट्री के अंदर भी उनके कंट्री के हिसाब से मिलता है लैंग्वेज ओके okay, तो मैं बताना चाहता हूँ अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपको हाँ ये जो मूवी है बिल्कुल हिंदी डब के अंदर देखने को मिलेगा उस वेबसाइट के अंदर और मैं बताना चाहता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे जब मूवी बहुत ज़्यादा हिट कर जाती है तो सारे जो कंट्री होते हैं अपने अपने नेटिव लैंग्वेज के अंदर उस मूवी को डब करवा लेते हैं ऑफिशियल डब फैन डब कोई भी डब हो सकता है लेकिन मैक्सिमम टाइम ऑफिशियल डब ही किया जाता है ताकि मूवी का जो एक्सपीरियंस वो ख़राब ना किया जाए तो हाँ गाइस आप लोगों को उसके हिसाब से आपको स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेगी मूवी के अंदर एंड आपको आपके हिसाब पे लैंग्वेज जो है उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करके आप डाउनलोड कर सकते हो उस वेबसाइट से सो ए गाइस नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन द स्टोरी एक्सप्लेनेशन तो जैसे कि मूवी का स्टार्टिंग ऐसे ही कुछ होता है एक एलियन प्रजाति आ जाती है पृथ्वी पे और उनका जो हियरिंग होता है बहुत शार्प होता है और वो लोग बहुत अच्छे से आर्मर प्लेट और बहुत अच्छे से उनका शील्ड भी होता है वो लोग पूरे हाफ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन को ख़त्म कर चुके हैं ओके अब इसी मूवी के अंदर एक अबाउट फैमिली करके देखने को मिलती है उसकी जो मतलब फैमिली ऐसे अबाउट फैमिली करके देखने को मिलती है उसके अंदर उन लोगों के जो फादर होते हैं ली और उनकी एक बेटी होती है रिगेन करके और उनका एक बेटा भी होता है मार्कस और बीव करके, वो लोग आइसोलेटेड फॉर्म में अपना मतलब गुजारा कर रहे थे फॉरेस्ट के बीच के अंदर समझ रहे हो फॉरेस्ट के बीच के अंदर वो लोग अपना गुजारा कर रहे होते हैं न्यूयॉर्क के अंदर अप स्टेट न्यूयॉर्क के अंदर एंड ये लोग सर्वाइविंग अपना मतलब जारी रखते हैं क्योंकि इन्हें भी पता होता है अगर ये लोग सिटी की तरफ जाएंगे तो हंड्रेड परसेंट है ये लोग मारे जाएंगे एंड अब जानते क्या होता है इस के अंदर बहुत सारे रोबोट्स लोग रिसर्च भी रोबोट मतलब एलियन सॉरी आई मीन टू से एलियन जो एलियंस होते हैं हमेशा जांच पड़ताल कहते करते रहते हैं कहीं पे भी ह्यूमंस दिख गए तो उन्हें मार दिया जाता है और उनका बॉडी रिसर्च किया जाता है ऐसा है मूवी का पूरा मेन सीक्वेंस और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इस मूवी के अंदर ये लोग खुल के बात भी नहीं कर सकते जो अपने अबाउट फैमिली वाले मेम्बर्स होते हैं क्योंकि अगर ये लोग शोर मचाएँगे तो वो जो रोबोट्स एलियन है वो आके इनको मार देंगे तो इसीलिए इस मूवी के अंदर हमें एक साइन वाली लैंग्वेज देखने को मिलती है जिसे बोला जाता है अमेरिकन साइन लैंग्वेज जहाँ पे ये लोग उसी के मदद से ये लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अपने बीच में और उसके बाद दिखाया जाता है जो बीव उनका बेटा होता है छोटा सा एक स्पेस शटल पा जाता है खेलने वाला एंड लेकिन उसका एक ली भाई जो होता है ली मैंने बताया था उनका पापा जो होता है फादर ली जो होते हैं वो बोल देते हैं कि इस स्पेस शटल को तुम ला नहीं सकते हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नॉइस मचाएगी और हम लोग एक ना एक दिन मारे जाएंगे लेकिन इन्हीं में से इनकी जो एक बहन होती है वो चोरी छुपे उस रॉकेट को ले आ जाती है और दे देती है अपने भाई को और उसके अंदर बैटरी निकाल लेती है बाई द वे लेकिन जो ली होता है ब्यू सॉरी ल्यू नहीं होता है व्यू जो होता है उस बैटरी को पा जाता है और अब गाइस ऐसा सीन हो गया कि ये लोग नॉइस मचा दिए हैं और जो एलियन है उस व्यू को मार देते हैं और एलियन क्रिएचर बहुत डेंजर होते हैं ऐसे इनका जो एक बेटा होता है मर जाता है अब गाइस फिल्म जो है आगे की तरफ हमें कंटिन्यू करते हुए देखने को मिलेगी सोया गाइस ये जो मूवी था इतना ही था एंड एक्सप्लेनेशन आपको अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर करो आप वीडियो को लाइक करते हो चैनल को भी सब्सक्राइब करते हो सो so यार चलो आप लोग आगे से वीडियो में मिलते हैं मूवी के फैक्ट्स रिव्यू सब चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो so या मेक श्योर करो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो वीडियो को भी शेयर करते हो अपने दोस्तों में ये मूवी जाकर लोग हंड्रेड परसेंट इन्जॉय करते हैं हेलो व्हाट्सअप गाइस टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट द मूवी कॉल्ड अ क्वाइट प्लेस सो गाइस ए 2018 की एक हॉरर मूवी है लाइक like आप बता सकते हो हाँ इसका जो जनरा है वो हॉरर से रिलेटेड है एंड जो मूवी है बहुत ही डेंजरस है मतलब आपको बहुत अच्छा एक हॉरर एक्सपीरियंस ये मूवी देख मतलब दे के दिखाएगा एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी के फैक्ट्स भी एक्सप्लेन करूँगा मूवी कितने पार्ट्स में आने वाली है फ्यूचर में क्योंकि अभी इस मूवी का सिर्फ़ दो पार्ट रिलीज़ हुआ है जो कि हुआ था अ क्वाइट प्लेस अप्रैल सिक्स टू में जिसके डायरेक्टर थे जॉन क्रैनसिक और मूवी एक और आया था अ क्वाइट प्लेस टू करके मे 28 2021 के अंदर जिसके डायरेक्टर सेम थे जॉन क्रैनस्क और गाइस अब इस मूवी का जो सीक्वल आने वाला है फ्यूचर के अंदर वो होने वाला है अ क्वाइट प्लेस डे वन मार्च एथ टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर को कन्फर्म हो चुका है और मिकल सैरनास्की इस मूवी के डायरेक्टर होने वाले हैं एंड इस मूवी का जो लास्ट पार्ट होने वाला है टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव के अंदर भी रिलीज़ होगा अ क्वाइट प्लेस पार्ट थ्री जिसके डायरेक्टर अभी कन्फर्म नहीं हुए एंड मूवी का जो सीक्वल वक्वल है वो स्टोरी राइटिंग कन्फर्म होने के बाद मे बी इस मूवी के डायरेक्टर है फिर कुछ भी होगा लेकिन इस मूवी के टोटल चार पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे स्क्रीन के ऊपर एंड अभी जो हम मूवी के ऊपर बात करने वाले हैं ए होने वाला है टू की अमेरिकन पोस्ट एपोकलिप्स साई फिक्शन हॉरर फिल्म जो मूवी के डायरेक्टर थे जॉन थे जैसे कि मैंने बता दिया और मूवी के जो राइटर थे वो थे स्कॉट बेक एंड ब्रैन वुड्स उसके बाद ये मूवी का जो स्टोरी है वो वुड्स एंड बेक के ऊपर होने वाला है मतलब जो मूवी के कैरेक्टर्स हैं और आप बोल सकते हो या फिर मूवी के जो मेन क्रीव एंड कैस्ट होने वाली हैं वो होने वाली हैं एमिली ब्लंट और इस मूवी के अंदर जो डायरेक्टर हैं वो भी अपना क्रीव एंड कास्ट में देखने को मिलेंगे जो है जॉन क्रैंस्किक और नोहा ज्यूब करके एक और हमें मतलब रोल प्ले करती हुई देखने को मिलेंगे उसके बाद मूवी के जो स्टोरी लाइन है वो लिखा गया है ब्रैन उड्स और स्क्वाड बेक के द्वारा मूवी के जो प्रोड्यूसर थे वो थे माइकल बे एंड्री फॉर्म एंड ब्रैड फुलर उसके बाद मूवी का जो सिनेमेटोग्राफी है वो किया गया है चार्लट बर्स एंड क्रिस्टन के द्वारा और मूवी के जो एडिटर थे क्रिस्टोफर थे प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी की होने वाली है प्लेटिनम ड्यून्स सन्डे नाइट प्रोडक्शन और मूवी का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे वो है पैरामाउंट पिक्चर और मूवी का जो रिलीज़ डेट था मार्च नाइन टू थाउजेंड एटीन को एस एक्स एस डब्ल्यू में रिलीज़ था और अप्रैल सिक्स टू थाउजेंड एटीन को यूनाइटेड स्टेट के अंदर रिलीज़ था मूवी का जो रन टाइम है वो है नाइनटीन मिनट्स का जो कि हाँ ठीक ठाक है एक एक घंटा बीस मिनट का मूवी एक घंटे तीस मिनट का मूवी है सॉरी हाँ और मूवी का जो कंट्री है ओरिजिन कंट्री वो है यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज अमेरिकन साइन लैंग्वेज इंग्लिश मूवी का जो बजट था वो था सेवनटीन मिलियन और बॉक्स ऑफिस पे अर्न किया है इस मूवी ने थ्री हंड्रेड फोर्टी वन मिलियन यू एस डॉलर विच इज़ अ ग्रेट अमाउंट अच्छा मूवी अर्न करके गई है बॉक्स ऑफिस से अब गाइस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस मूवी के और डिटेल लाइक आप इस मूवी को कहाँ कहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल फ्री के अंदर सो so गाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है हर वीडियो के अंदर और कमेंट में भी यही आता है कि उन लोगों को मूवीज़ कहाँ से देखना है तो so गाइस ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट हैं वेबसाइट हैं जहाँ पर आप बिल्कुल आराम से जाके मूवी को देख सकते हो और आप अपने मूवी मतलब उस मूवी को अपने फ़ोन के अंदर स्टोर भी कर सकते हो तो so गाइस मैं कुछ ऐसे साइट के नाम बता दे रहा हूँ लाइक एच मूवी फ्लिक्स करके एक आपको देखने को मिलेगा उधर जाओगे तो आपको हाँ इंटरनेशनल लेवल के सारे मूवी हॉलीवुड बॉलीवुड कोरियन चाइनीज़ सारे देखने को मिलेंगे एंड एक और क्वेश्चन आता है कि मूवी जो है ये क्या हम लोग को हिंदी लैंग्वेज या फिर जो उनके कंट्री वाले हैं लाइक like, अभी मान लो कोई और कंट्री से देख रहा तो उनकी कंट्री के अंदर भी उनके कंट्री के हिसाब से मिलता है लैंग्वेज ओके okay, तो मैं बताना चाहता हूँ अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपको हाँ ये जो मूवी है बिल्कुल हिंदी डब के अंदर देखने को मिलेगा उस वेबसाइट के अंदर और मैं बताना चाहता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे जब मूवी बहुत ज़्यादा हिट कर जाती है तो सारे जो कंट्री होते हैं अपने अपने नेटिव लैंग्वेज के अंदर उस मूवी को डब करवा लेते हैं ऑफिशियल डब फैन डब कोई भी डब हो सकता है लेकिन मैक्सिमम टाइम ऑफिशियल डब ही किया जाता है ताकि मूवी का जो एक्सपीरियंस वो ख़राब ना किया जाए तो हाँ गाइस आप लोगों को उसके हिसाब से आपको स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेगी मूवी के अंदर एंड आपको आपके हिसाब पे लैंग्वेज जो है उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करके आप डाउनलोड कर सकते हो उस वेबसाइट से सो गाइस नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन द स्टोरी एक्सप्लेनेशन तो जैसे कि मूवी का स्टार्टिंग ऐसे ही कुछ होता है एक एलियन प्रजाति आ जाती है पृथ्वी पर और उनका जो हियरिंग होता है बहुत शार्प होता है और वो लोग बहुत अच्छे से आर्मर प्लेट और बहुत अच्छे से उनका शील्ड भी होता है वो लोग पूरे हाफ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन को ख़त्म कर चुके हैं ओके अब इसी मूवी के अंदर एक अबाउट फैमिली करके देखने को मिलती है उसकी जो मतलब फैमिली ऐसे अबाउट फैमिली करके देखने को मिलती है उसके अंदर उन लोगों के जो फादर होते हैं ली और उनकी एक बेटी होती है रिगेन करके और उनका एक बेटा भी होता है मार्कस और बीव करके वो लोग आइसोलेटेड फॉर्म में अपना मतलब गुजारा कर रहे थे फॉरेस्ट के बीच के अंदर समझ रहे हो फॉरेस्ट के बीच के अंदर वो लोग अपना गुजारा कर रहे होते हैं न्यूयॉर्क के अंदर अप न्यूयॉर्क के अंदर एंड ये लोग सर्वाइविंग अपना मतलब जारी रखते हैं क्योंकि इन्हें भी पता होता है अगर ये लोग सिटी की तरफ जाएंगे तो हंड्रेड परसेंट है ये लोग मारे जाएंगे एंड अब जानते क्या होता है इस के अंदर बहुत सारे रोबोट्स लोग रिसर्च भी रोबोट मतलब एलियन सॉरी आई मीन टू से एलियन जो एलियंस होते हैं हमेशा जांच पड़ताल कहते करते रहते हैं कहीं पे भी ह्यूमंस दिख गए तो उन्हें मार दिया जाता है और उनका बॉडी रिसर्च किया जाता है ऐसा है मूवी का पूरा मेन सीक्वेंस और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इस मूवी के अंदर ये लोग खुल के बात भी नहीं कर सकते जो अपने अबाउट फैमिली वाले मेम्बर्स होते हैं क्योंकि अगर ये लोग शोर मचाएँगे तो वो जो रोबोट्स एलियन है वो आके इनको मार देंगे तो इसीलिए इस मूवी के अंदर हमें एक साइन वाली लैंग्वेज देखने को मिलती है जिसे बोला जाता है अमेरिकन साइन लैंग्वेज जहाँ पे ये लोग उसी के मदद से ये लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अपने बीच में और उसके बाद दिखाया जाता है जो बीव उनका बेटा होता है छोटा सा एक स्पेस शटल पा जाता है खेलने वाला एंड लेकिन उसका एक ली भाई जो होता है ली मैंने बताया था उनका पापा जो होता है फादर ली जो होते हैं वो बोल देते हैं कि इस स्पेस शटल को तुम ला नहीं सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइस मचाएगी और हम लोग एक ना एक दिन मारे जाएंगे लेकिन इन्हीं में से इनकी जो एक बहन होती है वो चोरी छुपे उस रॉकेट को ले आ जाती है और दे देती है अपने भाई को और उसके अंदर बैटरी निकाल लेती है बाई द वे लेकिन जो ली होता है ब्यू सॉरी ल्यू नहीं होता है व्यू जो होता है उस बैटरी को पा जाता है और अब गाइस ऐसा सीन हो गया है कि ये लोग नॉइस मचा दिए हैं और जो एलियन है उस व्यू को मार देते हैं और एलियन क्रिएचर बहुत डेंजर होते हैं ऐसे इनका जो एक बेटा होता है मर जाता है अब गाइस फिल्म जो है आगे की तरफ हमें कंटिन्यू करते हुए देखने को मिलेगी सोया गाइस ये जो मूवी था इतना ही था एंड एक्सप्लेनेशन आपको अगर अच्छा लगा तो मेक sure श्योर आप वीडियो को लाइक करते हो चैनल को भी सब्सक्राइब करते हो सो so, यार yeah, चलो आप लोग आगे से वीडियो में मिलते हैं मूवी के फैक्ट्स रिव्यू सब चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया आई होप आपको अच्छा लगा होगा so, yeah, sure तो यार मेक श्योर करो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो वीडियो को भी शेयर करते हो अपने दोस्तों में ये मूवी जाकर लोग हंड्रेड परसेंट इन्जॉय करते हैं हेलो व्हाट्सअप गाइस टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट द मूवी कॉल्ड अ क्वाइट प्लेस सो गाइस ए 2018 की एक हॉरर मूवी है लाइक like आप बता सकते हो हाँ इसका जो जनरा है वो हॉरर से रिलेटेड है एंड जो मूवी है बहुत ही डेंजरस है मतलब आपको बहुत अच्छा एक हॉरर एक्सपीरियंस मतलब ये मूवी दे मतलब दे के दिखाएगा एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी के फैक्ट्स भी एक्सप्लेन करूँगा मूवी कितने पार्ट्स में आने वाली है फ्यूचर में क्योंकि अभी इस मूवी का सिर्फ दो पार्ट रिलीज़ हुआ है जो कि हुआ था अ क्वाइट प्लेस अप्रैल सिक्स टू में जिसके डायरेक्टर थे जॉन क्रैनसिक और मूवी एक और आया था अ क्वाइट प्लेस टू करके मे 28 2021 के अंदर जिसके डायरेक्टर सेम थे जॉन क्रैनसिक और गाइस अब इस मूवी का जो सीक्वल आने वाला है फ्यूचर के अंदर वो होने वाला है अ क्वाइट प्लेस डे वन मार्च एट 2024 को कंफर्म हो चुका है और मिकल सैरनास्की इस मूवी के डायरेक्टर होने वाले हैं एंड इस मूवी का जो लास्ट पार्ट होने वाला है 2025 के अंदर भी रिलीज होगा अ क्वाइट प्लेस पार्ट थ्री जिसके डायरेक्टर अभी कंफर्म नहीं हुए एंड मूवी का जो सीक्वल वक्ल है वो स्टोरी राइटिंग कन्फर्म होने के बाद में भी इस मूवी के डायरेक्टर है फिर कुछ भी होगा लेकिन इस मूवी के टोटल चार पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे स्क्रीन के ऊपर एंड अभी जो हम मूवी के ऊपर बात करने वाले हैं ये होने वाला है टू की अमेरिकन पोस्ट एपोकलिप्स साई फिक्शन हॉरर फिल्म जो मूवी के डायरेक्टर थे जॉन थे जैसे कि मैंने बता दिया और मूवी के जो राइटर थे वो थे स्कॉट बेक एंड ब्रैन वुड्स उसके बाद ये मूवी का जो स्टोरी है वो वुड्स एंड बेक के ऊपर होने वाला है मतलब जो मूवी के कैरेक्टर्स हैं और आप बोल सकते हो या फिर मूवी के जो मेन क्रीव एंड कैस्ट होने वाली हैं वो होने वाली हैं एमिली ब्लंट और इस मूवी के अंदर जो डायरेक्टर हैं वो भी अपना क्रीव एंड कास्ट में देखने को मिलेंगे जो है जॉन क्रांसकिक और नोहा ज्यूब करके एक और हमें मतलब रोल प्ले करती हुई देखने को मिलेंगे उसके बाद मूवी के जो स्टोरी लाइन है वो लिखा गया है ब्रैन उड्स और स्क्वाड बेक के द्वारा मूवी के जो प्रोड्यूसर थे वो थे माइकल बे एंड्री फॉर्म एंड ब्रैड फुलर उसके बाद मूवी का जो सिनेमेटोग्राफी है वो किया गया है चार्लट बर्स एंड क्रिस्टन के द्वारा और मूवी के जो एडिटर थे क्रिस्टोफर थे प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी की होने वाली है प्लेटिनम ड्यून्स संडे नाइट प्रोडक्शन और मूवी का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे वो है पैरामाउंट पिक्चर और मूवी का जो रिलीज़ डेट था मार्च नाइन टू थाउजेंड एटीन को एस एक्स एस डब्ल्यू में रिलीज़ था और अप्रैल सिक्स टू थाउजेंड एटीन को यूनाइटेड स्टेट के अंदर रिलीज़ था मूवी का जो रन टाइम है वो है नाइनटीन मिनट्स का जो कि हाँ ठीक ठाक है एक एक घंटा बीस मिनट का मूवी एक घंटे तीस मिनट का मूवी है सॉरी हाँ और मूवी का जो कंट्री है ओरिजिन कंट्री वो है यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज अमेरिकन साइन लैंग्वेज इंग्लिश मूवी का जो बजट था वो था सेवनटीन मिलियन और बॉक्स ऑफिस पे अर्न किया है इस मूवी ने थ्री हंड्रेड फोर्टी वन मिलियन यू एस डॉलर विच इज़ अ ग्रेट अमाउंट अच्छा मूवी अर्न करके गई है बॉक्स ऑफिस से अब गाइस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस मूवी के और डिटेल लाइक आप इस मूवी को कहाँ कहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल फ्री के अंदर सो so गाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है हर वीडियो के अंदर और कमेंट में भी यही आता है कि उन लोगों को मूवीज़ कहाँ से देखना है तो so गाइस ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट हैं वेबसाइट हैं जहाँ पे आप बिल्कुल आराम से जाके इन मूवी को देख सकते हो और आप अपने मूवी मतलब उस मूवी को अपने फ़ोन के अंदर स्टोर भी कर सकते हो तो so गाइस मैं कुछ ऐसे साइट के नाम बता दे रहा हूँ लाइक एच मूवी फ्लिक्स करके एक आपको देखने को मिलेगा उधर जाओगे तो आपको हाँ इंटरनेशनल लेवल के सारे मूवी हॉलीवुड बॉलीवुड कोरियन चाइनीज़ सारे देखने को मिलेंगे एंड एक और क्वेश्चन आता है कि मूवी जो है ये क्या हम लोगों को हिंदी लैंग्वेज या फिर जो उनके कंट्री वाले हैं लाइक like, अभी मान लो कोई और कंट्री से देख रहा तो उनकी कंट्री के अंदर भी उनके कंट्री के हिसाब से मिलता है लैंग्वेज ओके okay. तो मैं बताना चाहता हूँ अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपको हाँ ये जो मूवी है बिल्कुल हिंदी डब के अंदर देखने को मिलेगा उस वेबसाइट के अंदर और मैं बताना चाहता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे जब मूवी बहुत ज़्यादा हिट कर जाती है तो सारे जो कंट्री होते हैं अपने अपने नेटिव लैंग्वेज के अंदर उस मूवी को डब करवा लेते हैं ऑफिशियल डब फैन डब कोई भी डब हो सकता है लेकिन मैक्सिमम टाइम ऑफिशियल डब ही किया जाता है ताकि मूवी का जो एक्सपीरियंस वो ख़राब ना किया जाए तो हाँ गाइस आप लोगों को उसके हिसाब से आपको स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेगी मूवी के अंदर एंड आपको आपके हिसाब पे लैंग्वेज जो है उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करके आप डाउनलोड कर सकते हो उस वेबसाइट से सो है गाइस नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन द स्टोरी एक्सप्लेनेशन तो जैसे कि मूवी का स्टार्टिंग ऐसे ही कुछ होता है एक एलियन पर जाती आ जाती है पृथ्वी पे और उनका जो हियरिंग होता है बहुत शार्प होता है और वो लोग बहुत अच्छे से आर्मर प्लेट और बहुत अच्छे से उनका शील्ड भी होता है वो लोग पूरे हाफ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन को ख़त्म कर चुके हैं ओके अब इसी मूवी के अंदर एक अबाउट फैमिली करके देखने को मिलती है उसकी जो मतलब फैमिली ऐसे अबाउट फैमिली करके देखने को मिलती है उसके अंदर उन लोगों के जो फादर होते हैं ली और उनकी एक बेटी होती है रिगेन करके और उनका एक बेटा भी होता है मार्कस और बीव करके वो लोग आइसोलेटेड फॉर्म में अपना मतलब गुजारा कर रहे थे फॉरेस्ट के बीच के अंदर समझ रहे हो फ़ॉरेस्ट के बीच के अंदर वो लोग अपना गुजारा कर रहे होते हैं न्यूयॉर्क के अंदर अपस्टेट न्यूयॉर्क के अंदर एंड ये लोग सर्वाइविंग अपना मतलब जारी रखते हैं क्योंकि इन्हें भी पता होता है अगर ये लोग सिटी की तरफ जाएंगे तो हंड्रेड परसेंट है ये लोग मारे जाएंगे एंड अब जानते क्या होता है इस के अंदर बहुत सारे रोबोट्स लोग रिसर्च भी रोबोट मतलब एलियन सॉरी आई मीन टू से एलियन जो एलियंस होते हैं हमेशा जांच पड़ताल कहते करते रहते हैं कहीं पे भी ह्यूमंस दिख गए तो उन्हें मार दिया जाता है और उनका बॉडी रिसर्च किया जाता है ऐसा है मूवी का पूरा मेन सीक्वेंस और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इस मूवी के अंदर ये लोग खुल के बात भी नहीं कर सकते जो अपने अबाउट फैमिली वाले मेम्बर्स होते हैं क्योंकि अगर ये लोग शोर मचाएँगे तो वो जो रोबोट्स एलियन है वो आके इनको मार देंगे तो इसीलिए इस मूवी के अंदर हमें एक साइन वाली लैंग्वेज देखने को मिलती है जिसे बोला जाता है अमेरिकन साइन लैंग्वेज जहाँ पे ये लोग उसी के मदद से ये लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अपने बीच में और उसके बाद दिखाया जाता है जो बीव उनका बेटा होता है छोटा सा एक स्पेस शटल पा जाता है खेलने वाला एंड लेकिन उसका एक ली भाई जो होता है ली मैंने बताया था उनका पापा जो होता है फादर ली जो होते हैं वो बोल देते हैं कि इस स्पेस शटल को तुम ला नहीं सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइस मचाएगी और हम लोग एक ना एक दिन मारे जाएंगे लेकिन इन्हीं में से इनकी जो एक बहन होती है वो चोरी छुपे उस रॉकेट को लेके आ जाती है और दे देती है अपने भाई को और उसके अंदर बैटरी निकाल लेती है बाय द वे लेकिन जो ली होता है ब्यू सॉरी ल्यू नहीं होता है व्यू जो होता है उस बैटरी को पा जाता है और अब घाई ऐसा सीन हो गया है कि ये लोग नॉइस मचा दिए हैं और जो एलियन है उस व्यू को मार देते हैं और एलियन क्रिएचर बहुत डेंजर होते हैं ऐसे इनका जो एक बेटा होता है मर जाता है अब गाइस फिल्म जो है आगे की तरफ हमें कंटिन्यू करते हुए देखने को मिलेगी सो गाइस ये जो मूवी था इतना ही था एंड एक्सप्लेनेशन आपको अगर अच्छा लगा तो मेक शो आप वीडियो को लाइक करते हो चैनल को भी सब्सक्राइब करते हो सो so या yeah, चलो आप लोग आगे से वीडियो में मिलते हैं मूवी के फैक्ट्स रिव्यू सब चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो या मेक श्यो करो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो वीडियो को भी शेयर करते हो अपने दोस्तों में ये मूवी जाकर लोग हंड्रेड परसेंट करते हैं हेलो व्हाट्सअप गाइस टूडे वी आर नाट टॉक अबाउट द मूवी कॉल्ड अ क्वाइट प्लेस सो गाइस ए टू की एक हॉरर मूवी है लाइक like आप बता सकते हो हाँ इसका जो जेनरा है वो हॉरर से रिलेटेड है एंड जो मूवी है बहुत ही डेंजरस है मतलब आपको बहुत अच्छा एक हॉरर एक्सपीरियंस ये मूवी देख मतलब दे के दिखाएगा एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी के फैक्ट्स भी एक्सप्लेन करूँगा मूवी कितने पार्ट्स में आने वाली है फ्यूचर में क्योंकि अभी इस मूवी का सिर्फ़ दो पार्ट रिलीज हुआ है जो कि हुआ था अ क्वाइट प्लेस अप्रैल सिक्स 2018 में जिसके डायरेक्टर थे जॉन क्रैनसिक और मूवी एक और आया था अ क्वाइट प्लेस टू करके मे 28 2021 के अंदर जिसके डायरेक्टर सेम थे जॉन क्रैनसिक और गाइस अब इस मूवी का जो सीक्वल आने वाला है फ्यूचर के अंदर वो होने वाला है अ क्वाइट प्लेस डे वन मार्च एट टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर को कन्फर्म हो चुका है और मिकल सैरनास्की इस मूवी के डायरेक्टर होने वाले हैं एंड इस मूवी का जो लास्ट पार्ट होने वाला है टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव के अंदर भी रिलीज़ होगा अ क्वाइट प्लेस पार्ट थ्री जिसके डायरेक्टर अभी कन्फर्म नहीं हुए हैं एंड मूवी का जो सीक्वल विक्वल है वो स्टोरी राइटिंग कन्फर्म होने के बाद मे बी इस मूवी के डायरेक्टर है फिर कुछ भी होगा लेकिन इस मूवी के टोटल चार पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे स्क्रीन के ऊपर एंड अभी जो हम मूवी के ऊपर बात करने वाले हैं ए होने वाला है टू की अमेरिकन पोस्ट एपोकलिप्स साई फिक्शन हॉरर फिल्म जो मूवी के डायरेक्टर थे जॉन थे जैसे कि मैंने बता दिया और मूवी के जो राइटर थे वो थे स्कॉट बेक एंड ब्रैन वुड्स उसके बाद ये मूवी का जो स्टोरी है वो वुड्स एंड बेक के ऊपर होने वाला है मतलब जो मूवी के कैरेक्टर्स हैं और आप बोल सकते हो या फिर मूवी के जो मेन क्रीवेंड एंड कैस्ट होने वाली हैं वो होने वाली हैं एमिली ब्लंट और इस मूवी के अंदर जो डायरेक्टर हैं वो भी अपना क्रीवेंड एंड कास्ट में देखने को मिलेंगे जो है जॉन क्रांसकिक और नोहा ज्यूब करके एक और हमें मतलब रोल प्ले करती हुई देखने को मिलेंगे उसके बाद मूवी के जो स्टोरी लाइन है वो लिखा गया है ब्रैन उड्स और स्क्वैट बेक के द्वारा मूवी के जो प्रोड्यूसर थे वो थे माइकल बे एंड्री फॉर्म एंड ब्रैड फुलर उसके बाद मूवी का जो सिनेमाटोग्राफी है वो किया गया है चार्लट बर्स एंड क्रिस्टन के द्वारा और मूवी के जो एडिटर थे क्रिस्टोफर थे प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी की होने वाली है प्लेटिनम ड्यून्स संडे नाइट प्रोडक्शन और मूवी का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे वो है पैरामाउंट पिक्चर और मूवी का जो रिलीज़ डेट था मार्च नाइन टू थाउजेंड एटीन को एस एक्स एस डब्ल्यू में रिलीज़ था और अप्रैल सिक्स टू थाउजेंड एटीन को यूनाइटेड स्टेट के अंदर रिलीज़ था मूवी का जो रन टाइम है वो है नाइनटीन मिनट्स का जो कि हाँ ठीक ठाक है एक एक घंटा बीस मिनट का मूवी एक घंटे तीस मिनट का मूवी है सॉरी हाँ और मूवी का जो कंट्री है ओरिजिन कंट्री वो है यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज अमेरिकन साइन लैंग्वेज इंग्लिश मूवी का जो बजट था वो था सेवनटीन मिलियन और बॉक्स ऑफिस पे अर्न किया है इस मूवी ने थ्री हंड्रेड फोर्टी वन मिलियन यू डॉलर विच इज़ अ ग्रेट अमाउंट अच्छा मूवी अर्न करके गई है बॉक्स ऑफिस से अब गाइस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस मूवी के और डिटेल लाइक आप इस मूवी को कहाँ कहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल फ्री के अंदर सो so गई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है हर वीडियो के अंदर और कमेंट में भी यही आता है कि उन लोगों को मूवीज़ कहाँ से देखना है तो गई ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट हैं वेबसाइट हैं जहाँ पे आप बिल्कुल आराम से जाके इन मूवी को देख सकते हो और आप अपने मूवी मतलब उस मूवी को अपने फ़ोन के अंदर स्टोर भी कर सकते हो तो गैस मैं कुछ ऐसे साइट के नाम बता दे रहा हूँ लाइक एच मूवी फ्लिक्स करके एक आपको देखने को मिलेगा उधर जाओगे तो आपको हाँ इंटरनेशनल लेवल के सारे मूवी हॉलीवुड बॉलीवुड कोरियन चाइनीज़ सारे देखने को मिलेंगे एंड एक और क्वेश्चन आता है कि मूवी जो है ये क्या हम लोगों हिंदी लैंग्वेज या फिर जो उनके कंट्री वाले हैं लाइक like, अभी मान लो कोई और कंट्री से देख रहा तो उनकी कंट्री के अंदर भी उनके कंट्री के हिसाब से मिलता है लैंग्वेज ओके okay. तो मैं बताना चाहता हूँ अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपको हाँ ये जो मूवी है बिल्कुल हिंदी डब के अंदर देखने को मिलेगा उस वेबसाइट के अंदर और मैं बताना चाहता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे जब मूवी बहुत ज़्यादा हिट कर जाती है तो सारे जो कंट्री होते हैं अपने अपने नेटिव लैंग्वेज के अंदर उस मूवी को डब करवा लेते हैं ऑफिशियल डब फैन डब कोई भी डब हो सकता है लेकिन मैक्सिमम टाइम ऑफिशियल डब ही किया जाता है ताकि मूवी का जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब ना किया जाए तो हाँ गाइस आप लोगों को उसके हिसाब से आपको स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेगी मूवी के अंदर एंड आपको आपके हिसाब पे लैंग्वेज जो है उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करके आप डाउनलोड कर सकते हो उस वेबसाइट से सो है गाइस नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन द स्टोरी एक्सप्लेनेशन तो जैसे कि मूवी का स्टार्टिंग ऐसे ही कुछ होता है एक एलियन प्रजाति आ जाती है पृथ्वी पे और उनका जो हियरिंग होता है बहुत शार्प होता है और वो लोग बहुत अच्छे से आर्मर प्लेट और बहुत अच्छे से उनका शील्ड भी होता है वो लोग पूरे हाफ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन को ख़त्म कर चुके हैं ओके अब इसी मूवी के अंदर एक अबाउट फैमिली करके देखने को मिलती है उसकी जो मतलब फैमिली ऐसे अबाउट फैमिली करके देखने को मिलती है उसके अंदर उन लोगों के जो फादर होते हैं ली और उनकी एक बेटी होती है रिगेन करके और उनका एक बेटा भी होता है मार्कस और बीओ करके वो लोग आइसोलेटेड फॉर्म में अपना मतलब गुजारा कर रहे थे फॉरेस्ट के बीच के अंदर समझ रहे हो फ़ॉरेस्ट के बीच के अंदर वो लोग अपना गुजारा कर रहे होते हैं न्यूयॉर्क के अंदर अपस्टेट न्यूयॉर्क के अंदर एंड ये लोग सर्वाइविंग अपना मतलब जारी रखते हैं क्योंकि इन्हें भी पता होता है अगर ये लोग सिटी की तरफ जाएंगे तो हंड्रेड परसेंट है ये लोग मारे जाएंगे एंड अब जानते क्या होता है इसके अंदर बहुत सारे रोबोट्स लोग रिसर्च भी रोबोट मतलब एलियन सॉरी आई मीन टू से एलियन जो एलियंस होते हैं हमेशा जांच पड़ताल कहते करते रहते हैं कहीं पे भी ह्यूमंस दिख गए तो उन्हें मार दिया जाता है और उनका बॉडी रिसर्च किया जाता है ऐसा है मूवी का पूरा मेन सिक्वेंस और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इस मूवी के अंदर ये लोग खुल के बात भी नहीं कर सकते जो अपने अबाउट फैमिली वाले मेम्बर्स होते हैं क्योंकि अगर ये लोग शोर मचाएँगे तो वो जो रोबोट्स एलियन है वो आके इनको मार देंगे तो इसीलिए इस मूवी के अंदर हमें एक साइन वाली लैंग्वेज देखने को मिलती है जिसे बोला जाता है अमेरिकन साइन लैंग्वेज जहाँ पर ये लोग उसी के मदद से ये लोग कम्यनिकेट कर रहे होते हैं अपने बीच में और उसके बाद दिखाया जाता है जो बीव उनका बेटा होता है छोटा सा एक स्पेस शटल पा जाता है खेलने वाला एंड लेकिन उसका एक ली भाई जो होता है ली मैंने बताया था उनका पापा जो होता है फादर ली जो होते हैं वो बोल देते हैं कि इस स्पेस शटल को तुम ला नहीं सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइस मचाएगी और हम लोग एक ना एक दिन मारे जाएंगे लेकिन इन्हीं में से इनकी जो एक बहन होती है वो चोरी छुपे उस रॉकेट को लेके आ जाती है और दे देती है अपने भाई को और उसके अंदर बैटरी निकाल लेती है बाई द वे लेकिन जो ली होता है ब्यू सॉरी ल्यू नहीं होता है ब्यू जो होता है उस बैटरी को पा जाता है और अब घाई ऐसा सीन हो गया है कि ये लोग नॉइस मचा दिए हैं और जो एलियन है उस व्यू को मार देते हैं और एलियन क्रिएचर बहुत डेंजर होते हैं ऐसे इनका जो एक बेटा होता है मर जाता है अब गाइस फिल्म जो है आगे की तरफ हमें कंटिन्यू करते हुए देखने को मिलेगी सो गाइस ये जो मूवी था इतना ही था एंड एक्सप्लेनेशन आपको अगर अच्छा लगा तो मेक शो करो आप वीडियो को लाइक करते हो चैनल को भी सब्सक्राइब करते हो सो so यार चलो आप लोग आगे से वीडियो में मिलते हैं मूवी के फैक्ट्स रिव्यू सब चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो so यार मेक शोर करो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो वीडियो को भी शेयर करते हो अपने दोस्तों में ये मूवी जाकर लोग हंड्रेड परसेंट करते हैं हेलो वाट्सअप गाइस टूडे वी आर नाट टॉक अबाउट द मूवी कॉल्ड अ क्वाइट प्लेस सो गाइस ए टू की एक हॉरर मूवी है लाइक like आप बता सकते हो हाँ इसका जो जेनरा है वो हॉरर से रिलेटेड है एंड जो मूवी है बहुत ही डेंजरस है मतलब आपको बहुत अच्छा एक हॉरर एक्सपीरियंस ये मूवी देख मतलब दे के दिखाएगा एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी के फैक्ट्स भी एक्सप्लेन करूँगा मूवी कितने पार्ट्स में आने वाली है फ्यूचर में क्योंकि अभी इस मूवी का सिर्फ़ दो पार्ट रिलीज हुआ है जो कि हुआ था अ क्वाइट प्लेस अप्रैल सिक्स 2018 में जिसके डायरेक्टर थे जॉन क्रैनसिक और मूवी एक और आया था अ क्वाइट प्लेस टू करके मे 28 2021 के अंदर जिसके डायरेक्टर सेम थे जॉन क्रैनसिक और गाइस अब इस मूवी का जो सीक्वल आने वाला है फ्यूचर के अंदर वो होने वाला है अ क्वाइट प्लेस डे वन मार्च एट टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर को कन्फर्म हो चुका है और मिकेल सैरनास्की इस मूवी के डायरेक्टर होने वाले हैं एंड इस मूवी का जो लास्ट पार्ट होने वाला है टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव के अंदर भी रिलीज़ होगा अ क्वाइट प्लेस पार्ट थ्री जिसके डायरेक्टर अभी कन्फर्म नहीं हुए हैं एंड मूवी का जो सीक्वल विक्वल है वो स्टोरी राइटिंग कन्फर्म होने के बाद में भी इस मूवी के डायरेक्टर या फिर कुछ भी होगा लेकिन इस मूवी के टोटल चार पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे स्क्रीन के ऊपर एंड अभी जो हम मूवी के ऊपर बात करने वाले हैं ए होने वाला है टू की अमेरिकन पोस्ट एपकलिप्स साई फिक्शन हॉरर फिल्म जो मूवी के डायरेक्टर थे जॉन थे जैसे कि मैंने बता दिया और मूवी के जो राइटर थे वो थे स्कॉट बेक एंड ब्रैन वुड्स उसके बाद ये मूवी का जो स्टोरी है वो वुड्स एंड बेक के ऊपर होने वाला है मतलब जो मूवी के कैरेक्टर्स हैं यार आप बोल सकते हो या फिर मूवी के जो मेन क्री एंड कैस्ट होने वाली हैं वो होने वाली हैं एमिली ब्लंट और इस मूवी के अंदर जो डायरेक्टर हैं वो भी अपना क्रीव एंड कास्ट में देखने को मिलेंगे जो है जॉन क्रांसकिक और नोहा ज्यूब करके एक और हमें मतलब रोल प्ले करती हुई देखने को मिलेंगे उसके बाद मूवी के जो स्टोरी लाइन है वो लिखा गया है ब्रैन उड्स और स्क्वाड बेक के द्वारा मूवी के जो प्रोड्यूसर थे वो थे माइकल बे एंड्री फॉर्म एंड ब्रैड फुलर उसके बाद मूवी का जो सिनेमेटोग्राफी है वो किया गया है चार्लट बर्स एंड क्रिस्टन के द्वारा और मूवी के जो एडिटर थे क्रिस्टोफर थे प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी की होने वाली है प्लेटिनम ड्यून्स संडे नाइट प्रोडक्शन और मूवी का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे वो है पैरामाउंट पिक्चर और मूवी का जो रिलीज़ डेट था मार्च नाइन टू थाउजेंड एटीन को एस एक्स एस डब्ल्यू में रिलीज़ था और अप्रैल सिक्स टू थाउजेंड एटीन को यूनाइटेड स्टेट के अंदर रिलीज़ था मूवी का जो रन टाइम है वो है नाइनटीन मिनट्स का जो कि हाँ ठीक ठाक है एक एक घंटा बीस मिनट का मूवी एक घंटे तीस मिनट का मूवी है सॉरी हाँ और मूवी का जो कंट्री है ओरिजिन कंट्री वो है यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज अमेरिकन साइन लैंग्वेज इंग्लिश मूवी का जो बजट था वो था सेवनटीन मिलियन और बॉक्स ऑफिस पे अर्न किया है इस मूवी ने थ्री हंड्रेड फोर्टी वन मिलियन यू डॉलर विच इज़ अ ग्रेट अमाउंट अच्छा मूवी अर्न करके गई है बॉक्स ऑफिस से अब गाइस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस मूवी के और डिटेल लाइक आप इस मूवी को कहाँ कहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल फ्री के अंदर सो so गैस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है हर वीडियो के अंदर और कमेंट में भी यही आता है कि उन लोगों को मूवीज़ कहाँ से देखना है तो गैस ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट हैं वेबसाइट हैं जहाँ पे आप बिल्कुल आराम से जाके इन मूवी को देख सकते हो और आप अपने मूवी मतलब उस मूवी को अपने फ़ोन के अंदर स्टोर भी कर सकते हो तो गैस मैं कुछ ऐसे साइट के नाम बता दे रहा हूँ लाइक एच मूवी फ्लिक्स करके एक आपको देखने को मिलेगा उधर जाओगे तो आपको हाँ इंटरनेशनल लेवल के सारे मूवी हॉलीवुड बॉलीवुड कोरियन चाइनीज़ सारे देखने को मिलेंगे एंड एक और क्वेश्चन आता है कि मूवी जो है ये क्या हम लोग को हिंदी लैंग्वेज या फिर जो उनके कंट्री वाले हैं लाइक like, अभी मान लो कोई और कंट्री से देख रहा तो उनकी कंट्री के अंदर भी उनके कंट्री के हिसाब से मिलता है लैंग्वेज ओके okay, तो मैं बताना चाहता हूँ अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपको हाँ ये जो मूवी है बिल्कुल हिंदी डब के अंदर देखने को मिलेगा उस वेबसाइट के अंदर और मैं बताना चाहता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे जब मूवी बहुत ज़्यादा हिट कर जाती है तो सारे जो कंट्री होते हैं अपने अपने नेटिव लैंग्वेज के अंदर उस मूवी को डब करवा लेते हैं ऑफिशियल डब फैन डब कोई भी डब हो सकता है लेकिन मैक्सिमम टाइम ऑफिशियल डब ही किया जाता है ताकि मूवी का जो एक्सपीरियंस वो ख़राब ना किया जाए तो हाँ गाइस आप लोगों को उसके हिसाब से आपको स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेगी मूवी के अंदर एंड आपको आपके हिसाब पे लैंग्वेज जो है उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करके आप डाउनलोड कर सकते हो उस वेबसाइट से सो गाइस नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन द स्टोरी एक्सप्लेनेशन तो जैसे कि मूवी का स्टार्टिंग ऐसे ही कुछ होता है एक एलियन पर जाती आ जाती है पृथ्वी पे और उनका जो हियरिंग होता है बहुत शार्प होता है और वो लोग बहुत अच्छे से आर्मर प्लेट और बहुत अच्छे से उनका शील्ड भी होता है वो लोग पूरे हाफ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन को ख़त्म कर चुके हैं ओके अब इसी मूवी के अंदर एक अबाउट फैमिली करके देखने को मिलती है उसकी जो मतलब फैमिली ऐसे अबाउट फैमिली करके देखने को मिलती है उसके अंदर उन लोगों के जो फादर होते हैं ली और उनकी एक बेटी होती है रिगेन करके और उनका एक बेटा भी होता है मार्कस और बीव करके, वो लोग आइसोलेटेड फॉर्म में अपना मतलब गुजारा कर रहे थे फॉरेस्ट के बीच के अंदर समझ रहे हो फॉरेस्ट के बीच के अंदर वो लोग अपना गुजारा कर रहे होते हैं न्यूयॉर्क के अंदर अपस्टेट न्यूयॉर्क के अंदर एंड ये लोग सर्वाइविंग अपना मतलब जारी रखते हैं क्योंकि इन्हें भी पता होता है अगर ये लोग सिटी की तरफ जाएंगे तो हंड्रेड परसेंट है ये लोग मारे जाएंगे एंड अब जानते क्या होता है इसके अंदर बहुत सारे रोबोट्स लोग रिसर्च भी रोबोट मतलब एलियन सॉरी आई मीन टू से एलियन जो एलियंस होते हैं हमेशा जांच पड़ताल कहते करते रहते हैं कहीं पे भी ह्यूमंस दिख गए तो उन्हें मार दिया जाता है और उनका बॉडी रिसर्च किया जाता है ऐसा है मूवी का पूरा मेन सीक्वेंस और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इस मूवी के अंदर ये लोग खुल के बात भी नहीं कर सकते जो अपने अबाउट फैमिली वाले मेम्बर्स होते हैं क्योंकि अगर ये लोग शोर मचाएँगे तो वो जो रोबोट्स एलियन है वो आके इनको मार देंगे तो इसीलिए इस मूवी के अंदर हमें एक साइन वाली लैंग्वेज देखने को मिलती है जिसे बोला जाता है अमेरिकन साइन लैंग्वेज जहाँ पे ये लोग उसी के मदद से ये लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अपने बीच में और उसके बाद दिखाया जाता है जो बीव उनका बेटा होता है छोटा सा एक स्पेस शटल पा जाता है खेलने वाला एंड लेकिन उसका एक ली भाई जो होता है ली मैंने बताया था उनका पापा जो होता है फादर ली जो होते हैं वो बोल देते हैं कि इस स्पेस शटल को तुम ला नहीं सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइस मचाएगी और हम लोग एक ना एक दिन मारे जाएंगे लेकिन इन्हीं में से इनकी जो एक बहन होती है वो चोरी छुपे उस रॉकेट को लेके आ जाती है और दे देती है अपने भाई को और उसके अंदर बैटरी निकाल लेती है बाय द वे लेकिन जो ली होता है व्यू सॉरी ल्यू नहीं होता है व्यू जो होता है उस बैटरी को पा जाता है और अब घाई ऐसा सीन हो गया है कि ये लोग नॉइस मचा दिए हैं और जो एलियन है उस व्यू को मार देते हैं और एलियन क्रिएचर बहुत डेंजर होते हैं ऐसे इनका जो एक बेटा होता है मर जाता है अब गाई फिल्म जो है आगे की तरफ हमें कंटिन्यू करते हुए देखने को मिलेगी सो गाइस ये जो मूवी था इतना ही था एंड एक्सप्लेनेशन आपको अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर करो आप वीडियो को लाइक करते हो चैनल को भी सब्सक्राइब करते हो सो so यार चलो आप लोग आगे से वीडियो में मिलते हैं मूवी के फैक्ट्स रिव्यू सब चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो so यार मेक श्योर करो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो वीडियो को भी शेयर करते हो अपने दोस्तों में ये मूवी जाकर लोग हंड्रेड परसेंट इन्जॉय करते हैं हेलो व्हाट्सअप गाइस टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट द मूवी कॉल्ड अ क्वाइट प्लेस सो गाइस ए 2018 की एक हॉरर मूवी है लाइक like आप बता सकते हो हाँ इसका जो जेनरा है वो हॉरर से रिलेटेड है एंड जो मूवी है बहुत ही डेंजरस है मतलब आपको बहुत अच्छा है, एक हॉरर एक्सपीरियंस ये मूवी देख मतलब दे के दिखाएगा एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी के फैक्ट्स भी एक्सप्लेन करूँगा मूवी कितने पार्ट्स में आने वाली है फ्यूचर में क्योंकि अभी इस मूवी का सिर्फ दो पार्ट रिलीज़ हुआ है जो कि हुआ था अ क्वाइट प्लेस अप्रैल सिक्स टू थाउजेंड एटीन में जिसके डायरेक्टर थे जॉन क्रैनसिक और मूवी एक और आया था अ क्वाइट प्लेस टू करके मे 28 2021 के अंदर जिसके डायरेक्टर सेम थे जॉन क्रैनसिक और गाइस अब इस मूवी का जो सीक्वल आने वाला है फ्यूचर के अंदर वो होने वाला है अ क्वाइट प्लेस डे वन मार्च एट 2024 को कंफर्म हो चुका है और मिकल सैरनास्की इस मूवी के डायरेक्टर होने वाले हैं एंड इस मूवी का जो लास्ट पार्ट होने वाला है 2025 के अंदर भी रिलीज़ होगा अ क्वाइट प्लेस पार्ट थ्री जिसके डायरेक्टर अभी कंफर्म नहीं हुए हैं एंड मूवी का जो सीक्वल विक्वल है वो स्टोरी राइटिंग कन्फर्म होने के बाद में भी इस मूवी के डायरेक्टर या फिर कुछ भी होगा लेकिन इस मूवी के टोटल चार पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे स्क्रीन के ऊपर एंड अभी जो हम मूवी के ऊपर बात करने वाले हैं ए होने वाला है टू की अमेरिकन पोस्ट ए साई फिक्शन हॉरर फिल्म जो मूवी के डायरेक्टर थे जॉन थे जैसे कि मैंने बता दिया और मूवी के जो राइटर थे वो थे स्कॉट बेक एंड ब्रैन वुड्स उसके बाद ये मूवी का जो स्टोरी है वो वुड्स एंड बेक के ऊपर होने वाला है मतलब जो मूवी के कैरेक्टर्स हैं और आप बोल सकते हो या फिर मूवी के जो मेन क्रीव एंड कैस्ट होने वाली हैं वो होने वाली हैं एमिली ब्लंट और इस मूवी के अंदर जो डायरेक्टर हैं वो भी अपना क्रीव एंड कास्ट में देखने को मिलेंगे जो है जॉन क्रांसकिक और नोहा ज्यूब करके एक और हमें मतलब रोल प्ले करती हुई देखने को मिलेंगे उसके बाद मूवी के जो स्टोरी लाइन है वो लिखा गया है ब्रैन उड्स और स्क्वाट बेक के द्वारा मूवी के जो प्रोड्यूसर थे वो थे माइकल बे एंड्री फॉर्म एंड ब्रैड फुलर उसके बाद मूवी का जो सिनेमाटोग्राफी है वो किया गया है चार्लट बर्स एंड क्रिस्टन के द्वारा और मूवी के जो एडिटर थे क्रिस्टोफर थे प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी की होने वाली है प्लेटिनम ड्यून्स संडे नाइट प्रोडक्शन और मूवी का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे वो है पैरामाउंट पिक्चर और मूवी का जो रिलीज़ डेट था मार्च नाइन टू थाउजेंड एटीन को एस एक्स एस डब्ल्यू में रिलीज़ था और अप्रैल सिक्स टू थाउजेंड एटीन को यूनाइटेड स्टेट के अंदर रिलीज़ था मूवी का जो रन टाइम है वो है नाइनटीन मिनट्स का जो कि हाँ ठीक ठाक है एक एक घंटा बीस मिनट का मूवी एक घंटे तीस मिनट का मूवी है सॉरी हाँ और मूवी का जो कंट्री है ओरिजिन कंट्री वो है यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज अमेरिकन साइन लैंग्वेज इंग्लिश मूवी का जो बजट था वो था सेवनटीन मिलियन और बॉक्स ऑफिस पे अर्न किया है इस मूवी ने थ्री हंड्रेड फोर्टी वन मिलियन यू डॉलर विच इज़ अ ग्रेट अमाउंट अच्छा मूवी अर्न करके गई है बॉक्स ऑफिस से अब गाइस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस मूवी के और डिटेल लाइक आप इस मूवी को कहाँ कहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल फ्री के अंदर सो so गाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है हर वीडियो के अंदर और कमेंट में भी यही आता है कि उन लोगों को मूवीज़ कहाँ से देखना है तो गाइस ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट हैं वेबसाइट हैं जहाँ पे आप बिल्कुल आराम से जाके इन मूवी को देख सकते हो और आप अपने मूवी मतलब उस मूवी को अपने फ़ोन के अंदर स्टोर भी कर सकते हो तो गाइस मैं कुछ ऐसे साइट के नाम बता दे रहा हूँ लाइक एच मूवी फ्लिक्स करके एक आपको देखने को मिलेगा उधर जाओगे तो आपको हाँ इंटरनेशनल लेवल के सारे मूवी हॉलीवुड बॉलीवुड कोरियन चाइनीज़ सारे देखने को मिलेंगे एंड एक और क्वेश्चन आता है कि मूवी जो है ये क्या हम लोग को हिंदी लैंग्वेज या फिर जो उनके कंट्री वाले हैं लाइक like, अभी मान लो कोई और कंट्री से देख रहा तो उनकी कंट्री के अंदर भी उनके कंट्री के हिसाब से मिलता है लैंग्वेज ओके okay, तो मैं बताना चाहता हूँ अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपको हाँ ये जो मूवी है बिल्कुल हिंदी डब के अंदर देखने को मिलेगा उस वेबसाइट के अंदर और मैं बताना चाहता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे जब मूवी बहुत ज़्यादा हिट कर जाती है तो सारे जो कंट्री होते हैं अपने अपने नेटिव लैंग्वेज के अंदर उस मूवी को डब करवा लेते हैं ऑफिशियल डब फैन डब कोई भी डब हो सकता है लेकिन मैक्सिमम टाइम ऑफिशियल डब ही किया जाता है ताकि मूवी का जो एक्सपीरियंस हो ख़राब ना किया जाए तो हाँ गाइस आप लोगों को उसके हिसाब से आपको स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेगी मूवी के अंदर एंड आपको आपके हिसाब पे लैंग्वेज जो है उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करके आप डाउनलोड कर सकते हो उस वेबसाइट से सोए गाइस नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन द स्टोरी एक्सप्लेनेशन तो जैसे कि मूवी का स्टार्टिंग ऐसे ही कुछ होता है एक एलियन पर जाती आ जाती है पृथ्वी पे और उनका जो हियरिंग होता है बहुत शार्प होता है और वो लोग बहुत अच्छे से आर्मर प्लेट और बहुत अच्छे से उनका शील्ड भी होता है वो लोग पूरे हाफ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन को ख़त्म कर चुके हैं ओके अब इसी मूवी के अंदर एक अबाउट फैमिली करके देखने को मिलती है उसकी जो मतलब फैमिली ऐसे अबाउट फैमिली करके देखने को मिलती है उसके अंदर उन लोगों के जो फादर होते हैं ली और उनकी एक बेटी होती है रिगेन करके और उनका एक बेटा भी होता है मार्कस और बीव करके वो लोग आइसोलेटेड फॉर्म में अपना मतलब गुजारा कर रहे थे फॉरेस्ट के बीच के अंदर समझ रहे हो फॉरेस्ट के बीच के अंदर वो लोग अपना गुजारा कर रहे होते हैं न्यूयॉर्क के अंदर अपस्टेट न्यूयॉर्क के अंदर एंड ये लोग सर्वाइविंग अपना मतलब जारी रखते हैं क्योंकि इन्हें भी पता होता है अगर ये लोग सिटी की तरफ जाएंगे तो हंड्रेड परसेंट है ये लोग मारे जाएंगे एंड अब जानते क्या होता है इसके अंदर बहुत सारे रोबोट्स लोग रिसर्च भी रोबोट मतलब एलियन सॉरी आई मीन टू से एलियन जो एलियंस होते हैं हमेशा जांच पड़ताल कहते करते रहते हैं कहीं पे भी ह्यूमंस दिख गए तो उन्हें मार दिया जाता है और उनका बॉडी रिसर्च किया जाता है ऐसा है मूवी का पूरा मेन सीक्वेंस और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इस मूवी के अंदर ये लोग खुल के बात भी नहीं कर सकते जो अपने अबाउट फैमिली वाले मेम्बर्स होते हैं क्योंकि अगर ये लोग शोर मचाएँगे तो वो जो रोबोट्स एलियन है वो आके इनको मार देंगे तो इसीलिए इस मूवी के अंदर हमें एक साइन वाली लैंग्वेज देखने को मिलती है जिसे बोला जाता है अमेरिकन साइन लैंग्वेज जहाँ पे ये लोग उसी के मदद से ये लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अपने बीच में और उसके बाद दिखाया जाता है जो बीव उनका बेटा होता है छोटा सा एक स्पेस शटल पा जाता है खेलने वाला एंड लेकिन उसका एक ली भाई जो होता है ली मैंने बताया था उनका पापा जो होता है फादर ली जो होते हैं वो बोल देते हैं कि इस स्पेस शटल को तुम ला नहीं सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइस मचाएगी और हम लोग एक ना एक दिन मारे जाएंगे लेकिन इन्हीं में से इनकी जो एक बहन होती है वो चोरी छुपे उस रॉकेट को लेके आ जाती है और दे देती है अपने भाई को और उसके अंदर बैटरी निकाल लेती है बाय द वे लेकिन जो ली होता है ब्यू सॉरी ल्यू नहीं होता है व्यू जो होता है उस बैटरी को पा जाता है और अब घाई ऐसा सीन हो गया है कि ये लोग नॉइस मचा दिए हैं और जो एलियन है उस व्यू को मार देते हैं और एलियन क्रिएचर बहुत डेंजर होते हैं ऐसे इनका जो एक बेटा होता है मर जाता है अब गाइस फिल्म जो है आगे की तरफ हमें कंटिन्यू करते हुए देखने को मिलेगी सो गाइस ये जो मूवी था इतना ही था एंड एक्सप्लेनेशन आपको अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर करो आप वीडियो को लाइक करते हो चैनल को भी सब्सक्राइब करते हो सो so, यार चलो आप लोग आगे से वीडियो में मिलते हैं मूवी के फैक्ट्स रिव्यू सब चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया आई होप आपको अच्छा लगा होगा so, yeah, sure अच्छा लगा, तो यार मेक श्योर करो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो वीडियो को भी शेयर करते हो अपने दोस्तों में ये मूवी जाकर लोग हंड्रेड परसेंट इन्जॉय करते हैं हेलो व्हाट्सअप गाइस टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट द मूवी कॉल्ड अ क्वाइट प्लेस सो गाइस ए 2018 की एक हॉरर मूवी है लाइक like आप बता सकते हो हाँ इसका जो जनरा है वो हॉरर से रिलेटेड है एंड जो मूवी है बहुत ही डेंजरस है मतलब आपको बहुत अच्छा एक हॉरर एक्सपीरियंस ये मूवी दे मतलब दे के दिखाएगा एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी के फैक्ट्स भी एक्सप्लेन करूँगा मूवी कितने पार्ट्स में आने वाली है फ्यूचर में क्योंकि अभी इस मूवी का सिर्फ दो पार्ट रिलीज़ हुआ है जो कि हुआ था अ क्वाइट प्लेस अप्रैल सिक्स टू में जिसके डायरेक्टर थे जॉन क्रैनसिक और मूवी एक और आया था अ क्वाइट प्लेस टू करके मे 28 2021 वन के अंदर जिसके डायरेक्टर सेम थे जॉन क्रैंस्किक और गाइस अब इस मूवी का जो सीक्वल आने वाला है फ्यूचर के अंदर वो होने वाला है अ क्वाइट प्लेस डे वन मार्च एट टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर को कन्फर्म हो चुका है और मिकेल सैरनास्क इस मूवी के डायरेक्टर होने वाले हैं एंड इस मूवी का जो लास्ट पार्ट होने वाला है टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव के अंदर भी रिलीज़ होगा अ क्वाइट प्लेस पार्ट थ्री जिसके डायरेक्टर अभी कन्फर्म नहीं हुए हैं एंड मूवी का जो सीक्वल वक्वल है वो स्टोरी राइटिंग कन्फर्म होने के बाद में भी इस मूवी के डायरेक्टर या फिर कुछ भी होगा लेकिन इस मूवी के टोटल चार पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे स्क्रीन के ऊपर एंड अभी जो हम मूवी के ऊपर बात करने वाले हैं ए होने वाला है 2018 की अमेरिकन पोस्ट एपकलिप्स साई फिक्शन हॉरर फिल्म जो मूवी के डायरेक्टर थे जॉन थे जैसे कि मैंने बता दिया और मूवी के जो राइटर थे वो थे स्कॉट बेक एंड ब्रैन वुड्स उसके बाद ये मूवी का जो स्टोरी है वो वुड्स एंड बेक के ऊपर होने वाला है मतलब जो मूवी के कैरेक्टर्स हैं और आप बोल सकते हो या फिर मूवी के जो मेन क्रू एंड कैस्ट होने वाली हैं वो होने वाली हैं एमिली ब्लंट और इस मूवी के अंदर जो डायरेक्टर हैं वो भी अपना क्रू एंड कास्ट में देखने को मिलेंगे जो है जॉन क्रांसक और नोहा ज्यूब करके एक और हमें मतलब रोल प्ले करती हुई देखने को मिलेंगे। उसके बाद मूवी के जो स्टोरी लाइन है वो लिखा गया है ब्रैन उड्स और स्क्वाड बेक के द्वारा मूवी के जो प्रोड्यूसर थे वो थे माइकल बे एंड्री फॉर्म एंड ब्रैड फुलर उसके बाद मूवी का जो सिनेमेटोग्राफी है वो किया गया है चार्लट बर्स एंड क्रिस्टन के द्वारा और मूवी के जो एडिटर थे क्रिस्टोफर थे प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी की होने वाली है प्लेटिनम ड्यून्स संडे नाइट प्रोडक्शन और मूवी का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे वो है पैरामाउंट पिक्चर और मूवी का जो रिलीज़ डेट था मार्च नाइन टू थाउजेंड एटीन को एस एक्स एस डब्ल्यू में रिलीज़ था और अप्रैल सिक्स टू थाउजेंड एटीन को यूनाइटेड स्टेट के अंदर रिलीज़ था मूवी का जो रन टाइम है वो है नाइनटीन मिनट्स का जो कि हाँ ठीक ठाक है एक एक घंटा बीस मिनट का मूवी एक घंटे तीस मिनट का मूवी है सॉरी हाँ और मूवी का जो कंट्री है ओरिजिन कंट्री वो है यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज अमेरिकन साइन लैंग्वेज इंग्लिश मूवी का जो बजट था वो था सेवनटीन मिलियन और बॉक्स ऑफिस पे अर्न किया है इस मूवी ने थ्री हंड्रेड फोर्टी वन मिलियन यू डॉलर विच इज़ अ ग्रेट अमाउंट अच्छा मूवी अर्न करके गई है बॉक्स ऑफिस से अब गई मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस मूवी के और डिटेल लाइक आप इस मूवी को कहाँ कहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल फ्री के अंदर सो so गाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है हर वीडियो के अंदर और कमेंट में भी यही आता है कि उन लोगों को मूवीज़ कहाँ से देखना है तो गाइस ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट हैं वेबसाइट हैं जहाँ पे आप बिल्कुल आराम से जाकर इन मूवी को देख सकते हो और आप अपने मूवी मतलब उस मूवी को अपने फ़ोन के अंदर स्टोर भी कर सकते हो तो गाइस मैं कुछ ऐसे साइट के नाम बता दे रहा हूँ लाइक एच डी मूवी फ्लिक्स करके एक आपको देखने को मिलेगा उधर जाओगे तो आपको हाँ इंटरनेशनल लेवल के सारे मूवी हॉलीवुड बॉलीवुड कोरियन चाइनीज़ सारे देखने को मिलेंगे एंड एक और क्वेश्चन आता है कि मूवी जो है ये क्या हम लोग को हिंदी लैंग्वेज या फिर जो उनके कंट्री वाले हैं लाइक like, अभी मान लो कोई और कंट्री से देख रहा तो उनकी कंट्री के अंदर भी उनके कंट्री के हिसाब से मिलता है लैंग्वेज ओके okay. तो मैं बताना चाहता हूँ अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपको हाँ ये जो मूवी है बिल्कुल हिंदी डब के अंदर देखने को मिलेगा उस वेबसाइट के अंदर और मैं बताना चाहता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे जब मूवी बहुत ज़्यादा हिट कर जाती है तो सारे जो कंट्री होते हैं अपने अपने नेटिव लैंग्वेज के अंदर उस मूवी को डब करवा लेते हैं ऑफिशियल डब फैन डब कोई भी डब हो सकता है लेकिन मैक्सिमम टाइम ऑफिशियल डब ही किया जाता है ताकि मूवी का जो एक्सपीरियंस हो ख़राब ना किया जाए तो हाँ गाइस आप लोगों को उसके हिसाब से आपको स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेगी मूवी के अंदर एंड आपको आपके हिसाब पे लैंग्वेज जो है उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करके आप डाउनलोड कर सकते हो उस वेबसाइट से सो इस नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन द स्टोरी एक्सप्लेनेशन। तो जैसे कि मूवी का स्टार्टिंग ऐसे ही कुछ होता है एक एलियन पर जाती आ जाती है पृथ्वी पे और उनका जो हियरिंग होता है बहुत शार्प होता है और वो लोग बहुत अच्छे से आर्मर प्लेट और बहुत अच्छे से उनका शील्ड भी होता है वो लोग पूरे हाफ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन को ख़त्म कर चुके हैं ओके okay? अब इसी मूवी के अंदर एक अबाउट फैमिली करके देखने को मिलती है उसकी जो मतलब फैमिली ऐसे अबाउट फैमिली करके देखने को मिलती है उसके अंदर उन लोगों के जो फ़ादर होते हैं ली और उनकी एक बेटी होती है रिगेन करके और उनका एक बेटा भी होता है मार्कस और बीव करके वो लोग आइसोलेटेड फॉर्म में अपना मतलब गुजारा कर रहे थे फ़ॉरेस्ट के बीच के अंदर समझ रहे हो फॉरेस्ट के बीच के अंदर वो लोग अपना गुजारा कर रहे होते हैं न्यूयॉर्क के अंदर अपस्टेट न्यूयॉर्क के अंदर एंड ये लोग सर्वाइविंग अपना मतलब जारी रखते हैं क्योंकि इन्हें भी पता होता है अगर ये लोग सिटी की तरफ जाएंगे तो हंड्रेड परसेंट है ये लोग मारे जाएंगे एंड अब जानते हो क्या होता है इसके अंदर बहुत सारे रोबोट्स लोग रिसर्च भी रोबोट मतलब एलियन सॉरी आई मीन टू से एलियन जो एलियंस होते हैं हमेशा जांच पड़ताल कहते करते रहते हैं कहीं पे भी ह्यूमंस दिख गए तो उन्हें मार दिया जाता है और उनका बॉडी रिसर्च किया जाता है ऐसा है मूवी का पूरा मेन सिक्वेंस और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इस मूवी के अंदर ये लोग खुल के बात भी नहीं कर सकते जो अपने अबाउट फैमिली वाले मेम्बर्स होते हैं क्योंकि अगर ये लोग शोर मचाएँगे तो वो जो रोबोट्स एलियन है वो आके इनको मार देंगे तो इसीलिए इस मूवी के अंदर हमें एक साइन वाली लैंग्वेज देखने को मिलती है जिसे बोला जाता है अमेरिकन साइन लैंग्वेज जहाँ पर ये लोग उसी के मदद से ये लोग कम्यनिकेट कर रहे होते हैं अपने बीच में